सीएम शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में विधानसभा में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की हरी झंडी मिली है। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के 11% महंगाई भत्ते बढ़ाने के साथ कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विधानसभा स्थित सभागार में मंत्री परिषद की बैठक वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। वहीं इसके बाद शुरू हुई बैठक में शिवराज कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई। सातवें वेतनमान में 11% की वृद्धि की जाकर 31% का जो निर्णय लिया था वो अनुसमर्थन का मामला था, उसको भी कैबिनेट के द्वारा आज मंजूरी प्रदान की गई है। इसी के साथ शिवराज कैबिनेट ने पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू करने का निर्णय भी लिया, जहां अब प्रदेश में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर चलित पशु इकाई होगी। जैसा आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है कहीं भी है प्राणी मात्र की सोचती है, मानव मात्र नहीं कहा। यहां मैंने कहावत है प्राणी मात्र पर दया करो सोचो क्या साथ क्या जाएगा, ये हमारी संस्कृति कहती है और इसलिए जीव मात्र की सोचते हुए आज कैबिनेट ने तय किया है कि एक हमारी प्रदेश के अंदर पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू कर रहे हैं, जिसमें चलित पशु इकाई अब मध्य प्रदेश के अंदर होगी। जैसे 108 की सेवा आपने देखी होगी, घर पर पेशेंट का फोन आता है, घर जाती है लाती है, कमोबेश उसी तरह से या मोबाइल वाहन होगा और ये मोबाइल का वाहन जैसे ही हम फोन लगाएंगे वो हमारे यहाँ पशु की चिकित्सा के लिए हमारे घर पर उपलब्ध होगा। अपने आप में बड़ा है, इस मोबाइल वाहन में एक पशु चिकित्सक रहेगा, एक सहायक रहेगा और एक ड्राइवर इसके अंदर रहेगा। इसकी क्रियान्वयन की 3 स्तरीय एजेंसी भी बनाई है, राज्य स्तर पर पीएस की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में और ब्लॉक पर, हर ब्लॉक पर जो छोटा ब्लॉक होगा एक वाहन और बड़ा ब्लॉक होगा तो 2 वाहन हर ब्लॉक पर इसके रहेंगे। राम वन गमन पथ योजना जो अब तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत आती थी, अब पूरी योजना संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित होगी। एक अन्य निर्णय में राम वन गमन पथ योजना जो थी वो अभी तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग देखता था, अब इसे संस्कृति विभाग इस कार्य को देखेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर बार की तरह इस बार भी शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।